दिल्ली मेट्रो वाली बिकनी गर्ल वायरल हो चुकी हैं, इन दिनों खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है कि आखिर बिकनी पहनकर मेट्रो में सफर करने की नौबत क्यों आ गई, कहां की रहने वाली है ये बिकनी गर्ल और दिल्ली मेट्रो ने क्या कुछ कहा है इस बिकनी गर्ल के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। आज बात करेंगे उस बिकनी गर्ल की जिसने दिल्ली मेट्रो में सफर करके सनसनी मचा दी है। 19 साल की ये लड़की है, पंजाब की रहने वाली है और दिल्ली में इस वक्त रह रही है। नाम क्या है इसका और आखिर वो कर क्या रही हैं और क्या कहना है उनका अपने इस बिकनी कांड के बारे में, चलिए देखते हैं। दिल्ली की रिदम इस समय इतनी चर्चाओं में है जितनी उर्फी जावेद चर्चाओं में रहती हैं। उर्फी जावेद को तो आप सभी जानते होंगे जो अक्सर अपने कपड़ों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। वहीं उर्फी जावेद को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली मेट्रो वाली बिकनी गर्ल इस समय सुर्खियों में छाई हुई है। बताते हैं आपको कौन है दिल्ली मेट्रो की बिकनी वाली गर्ल। असल में बिकनी वाली गर्ल का नाम रिदम चन्ना है जो सिर्फ 19 साल की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिदम चन्ना पंजाब के फतेहगढ़ साहिब शहर की रहने वाली है जिनके कुछ दिन पहले तक काफी कम फॉलोअर्स थे, लेकिन जब से दिल्ली मेट्रो में अपने कपड़ों को लेकर ये वायरल हुई तब से लेकर उनके फॉलोअर्स की तादाद हजारों में हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले रिदम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एथनिक ड्रेस में ही फोटो डालती थी, लेकिन 9 अक्टूबर 2022 से अचानक उन्होंने बोल्ड तस्वीर पोस्ट करना शुरू किया, जिसके बाद मेट्रो में बोल्डनेस की उनकी वीडियो वायरल होने लगी। फिर देखते ही देखते वो वायरल सेंसेशन बन गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो क्यों इस तरह के कपड़े मेट्रो में पहनती हैं। हाल ही में रिदम ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो पंजाब के एक सिंपल और पारंपरिक परिवार से आती हैं, लेकिन अपने खुले विचारों के कारण उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ता है जिसके चलते वो परिवार के साथ नहीं रहती। इसी के साथ उन्हें पड़ोसियों से धमकियां भी मिलती थी लेकिन वो इसे नजरअंदाज करती रही। रिदम चन्ना ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो क्यों ऐसे कपड़े पहनती हैं। रिदम ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए कहा कि मैं जो चाहूं वो पहनूं, मैं जो पहनना चाहती हूं वो पहनती हूं, ये मेरी आजादी है। मैं ये किसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए या फेमस होने के लिए नहीं कर रही हूं। साथ ही कहा कि मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। जब रिदम से उर्फी जावेद के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पहले उर्फी जावेद को नहीं जानती थी, न ही वो पहले उनसे प्रेरित थी, लेकिन हाल ही में उनके दोस्त के बताने के बाद उन्होंने उसके बारे में जाना जिसके बाद से वो उनसे प्रभावित हैं। रिदम फिलहाल एक्टिंग स्कूल में एक कोर्स कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भविष्य में एक सफल मॉडल बनने की राह पर हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने विचार को साझा करते हुए कहा कि कपड़े खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया है। वहीं मेट्रो में छोटे कपड़े पहनने को लेकर रिदम ने कहा कि उन्हें दिल्ली में पिंक लाइन मेट्रो को छोड़कर कहीं भी अपने कपड़ों की वजह से कोई समस्या नहीं हुई। इस मामले पर दिल्ली मेट्रो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि मेट्रो के संचालन और रखरखाव अधिनियम की धारा 59 के तहत अभद्रता एक दंडनीय अपराध है, यानी इस तरह यात्रा करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई ऐसे यात्रा करते पाया गया तो पहली बार उसकी काउंसलिंग की जाएगी और दूसरी बार उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अपने बयान में DMRC ने कहा कि मेट्रो यात्रियों से सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद करती है जिन्हें समाज में स्वीकृति मिली है। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग रिदम के समर्थन में हैं तो वहीं कई लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर कार्रवाई हुई तो किस धारा के तहत होगी। आपको बता दें कि भारत में अश्लीलता को आपराधिक गतिविधि माना जाता है। ये अपराध IPC की धारा 292, 293 और 294 के तहत आती है, लेकिन अश्लीलता को लेकर कानून में अस्पष्टता नहीं है कि किसे अश्लील कहा जा सकता है और किसे नहीं। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, अगर कोई व्यक्ति अश्लील किताब, वीडियो या फोटो जैसी सामग्री बांटता है जिससे दूसरों को परेशानी हो, उसे दोषी पाए जाने पर इस कानून के तहत सजा हो सकती है। साफ शब्दों में कहें तो देश में अश्लीलता को कामुकता से जोड़कर देखा जाता है। अश्लीलता की विवरण कोर्ट ही करता है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है। क्या अपनी बोल्डनेस को लेकर रिदम को कोर्ट जाना पड़ सकता है या मेट्रो में उनका सफर करना बंद हो सकता है या वो अपने कपड़ों में बदलाव लाएंगी। जो भी होगा सबसे पहले सौगंध टीवी आपके सामने लाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।